हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम बीम रिएक्शन में एक कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है कमेंट किया था, सर मोमेंट को जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है बीम रिएक्शन में। तो उसी को कमेंट को जो है अपने मन में रखते हुए हम जो है एक लेक्चर को लाए हैं बीम रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छा रीति से समझ में आएगा। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट है, आपको किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, तो कमेंट कीजिए, हम जो है उस टॉपिक पर लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए जो है आज का हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिएक्शन आर ए एंड आर बी, ठीक है। हमें जो है रिएक्शन फाइंड करना है आर ए एंड आर बी, ठीक है। ये जो है आपका बीम दिया हुआ है, यहाँ पर 3 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 9 न्यूटन है, और यहाँ से यहाँ ए से सी का डिस्टेंस 3 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस 2 मीटर, डी से ई का डिस्टेंस 2 मीटर एंड ई से बी का डिस्टेंस 2 मीटर। एक इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम को बनाते हैं तो डायग्राम जो है साफ सुथरा होना चाहिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, डायग्राम जो है साफ सुथरा होना चाहिए। आपका डायमेंशन जहाँ पर जो पॉइंट है वहीं से जो है आपको साफ सुथरा दिखना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ए से सी का डिस्टेंस कितना है, तो 3 मीटर, दूर से ही दिखने में लगना चाहिए, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। तो समय को हम व्यर्थ नहीं करते हैं, आगे हम टॉपिक में चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब कभी भी हमें बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम बनाना हो तो सबसे पहले जो है हम फोर्स को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? फोर्स को। तो यहाँ पर जो है आप समझने की कोशिश कीजिए कितना फोर्स है। तो ये एक फोर्स है, 3 न्यूटन एक फोर्स है, 6 न्यूटन एक फोर्स है, 9 न्यूटन एक फोर्स है। आर ए और आर बी जो है, आर बी जो है फोर्स है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये बीम जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये बीम जो है नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि आर ए और आर बी उसको जो है सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो भी तो फोर्स दे रहा है, तब तो नहीं गिर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर बात को समझिए, आर ए और आर बी हमें फाइंड करना है, जो कि जो है रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। तो इसे हमें फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फोर्स को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। अब पूछिए कि क्यों इक्वल होगा, ठीक है। हम बोल दिए तो विश्वास कर लीजिएगा। तो आपका रीज़न ये है, इसलिए इक्वल होगा क्योंकि मान लीजिए ये बीम नहीं गिर रहा है, ये बीम इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स इन लोग लगा रहा है उतना फोर्स तो इन लोग भी लगा रहा होगा। जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना फोर्स नीचे से लग रहा होगा, तब तो इक्वल है, तब तो इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपवर्ड फोर्स किसे बोलते हैं? जिसका जो है एरो जो है ऊपर की ओर रहेगा, जिसका एरो किसकी ओर रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, ठीक है। जिसका एरो नीचे की ओर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड फोर्स। तो जोड़ दीजिए, अपवर्ड फोर्स कितना है? तो 2 है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स है 3 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 9 9 18, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर वन। अब ध्यान दीजिए, हमें जो है मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट निकालिए, मोमेंट यहीं पर डॉट पूछे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। मोमेंट एट पॉइंट ए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट निकालना है तो किसी पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने जो है ए पॉइंट को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ए पॉइंट को हम सेलेक्ट किए हैं,
और यहाँ पर हम मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंट जो है दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है, तो घड़ी तो आप लोग देखे होंगे, घर में घड़ी होगा। तो चलिए ये जो है दो घड़ी हम बनाते हैं, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो क्लॉकवाइज मोमेंट उसको बोलते हैं, मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, और ये बीम पर जब हम फोर्स लगाएंगे, ये बीम पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, तो आप बोलिएगा सर ये बीम जो है बेंड करेगा, बेंड करेगा ना, तो बेंड करेगा तो कैसे आएगा, ये जो है ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से जब बेंड करे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से चलता है घड़ी, 12 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका बीम है, ठीक है, और ये बीम है जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से बेंड करेगा, ये इस तरह से बेंड करेगा, ठीक है, इस तरह से बेंड करेगा। तो ये जो है घड़ी के अपोजिट में जा रहा है, माने कि ये इस तरह से जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, चलिए लिख लीजिए इसको। अब इसको हम इरेज करते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, वर्ड को ध्यान दीजिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि मोमेंट अगर हम निकालने के लिए पूछे, मान लीजिए ए है, बी है, और यहाँ पर दिया है 3 न्यूटन, यहाँ पर दिया है 6 मीटर, ठीक है, ए आपका जो है 6 मीटर मान लीजिए दिया है। हम पूछे कि ए पॉइंट पर डिस्टेंस, ए पॉइंट पर मोमेंट क्या होगा, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि फोर्स 3 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इधर आएंगे, ए तक निकालना था तो 3 × 6 हो जाएगा 18 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, तो इसको जो है आप समझ लीजिए। अब जो है क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप ध्यान दीजिए कौन कौन क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो 9 न्यूटन जो है जब ये फोर्स लगाएगा तो इधर बेंड करेगा, 6 न्यूटन जब फोर्स लगाएगा तो इधर बेंड करेगा, 3 न्यूटन जब इधर फोर्स लगाएगा तो इधर बेंड करेगा। यानी कि 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 9 न्यूटन आर क्लॉकवाइज मोमेंट, क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है। एंटी क्लॉक क्या है, तो आरबी जब इधर से फोर्स लगाएगा तो इधर बेंड करेगा, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब ध्यान दीजिए, 9 क्लॉकवाइज मोमेंट, 9 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 9 यहाँ है। अब हम कहाँ पर मोमेंट निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ गलती तो सब जगह गलती, ठीक है। तो 9 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, अब जो है ए पर हम निकाल रहे हैं मोमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए से ई का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा, ठीक है, ए से ई का डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से 6 इंटू ए से डी का डिस्टेंस, ए से डी का डिस्टेंस, प्लस 3 इंटू ए से सी का डिस्टेंस। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गई, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। अब हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें, तो आर बी इंटू आर बी इंटू बी, यहाँ है हमें ए पॉइंट पर आना है, तो ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम मोमेंट निकालते हैं वहाँ पर हमको जाना ही जाना है, ठीक है। 9 × E पॉइंट पर है तो A से E का डिस्टेंस हम लोग लेंगे, 6 × A से D का डिस्टेंस लेंगे, 3 × A से C का डिस्टेंस लेंगे, अगर आर बी निकालें तो B से A का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब पूछेगा सर आर ए इंटू क्यों नहीं लिए, तो आर ए इंटू ए से A का डिस्टेंस तो 0 है, तो आर ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जहाँ पर मोमेंट निकालते हैं, जिस पॉइंट पर वहाँ पर मोमेंट नहीं निकाला जाता। आप ध्यान दीजिए, 9 ×
ए से ई का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दो दो चार, चार तीन सात, सात प्लस सिक्स इंटू ए से डी का डिस्टेंस, यानी कि दो तीन दो पाँच, ठीक है, तीन और दो पाँच, यानी कि सिक्स इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू ए से सी का डिस्टेंस कितना है, थ्री मीटर, तो थ्री लिख दीजिए, इक्वल टू आर बी तो नहीं जानते हैं, इंटू ए बी का डिस्टेंस तो कितना है डिस्टेंस, दो दो चार, चार दो छः, छः और तीन नौ, तो नौ लिख दीजिए स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है ऐड करिए, नौ सत्ते तिरसठ प्लस छः पचे तीस प्लस तीन तिया नौ इक्वल टू नाइन आर बी, कोई डाउट है, नहीं, कैलकुलेटर आपके पास है, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, तो रख दीजिए कैलकुलेटर में वैल्यू, 63 प्लस 30 प्लस 9 यानी कि 102 इक्वल टू 9 आर बी। अब यहाँ से हम पूछे कि आर बी इक्वल टू क्या होगा, तो आर बी इक्वल टू आ गया 11.33 न्यूटन। चलिए इसको आप लिख लीजिए, अब ध्यान दीजिए, हमें जो है आर ए और आर बी भी फाइंड करना है, तो इक्वेशन वन में जो है हम आर बी का वैल्यू को रख देंगे, इक्वेशन वन में जो है आर बी का वैल्यू रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या है, आर ए प्लस आर बी का वैल्यू, तो 11.33 इक्वल टू 18 हो गया, तो आर ए इक्वल टू 18 माइनस आंसर 6.66 न्यूटन। चलिए, यानी कि क्वेश्चन में पूछा था आर ए का वैल्यू निकालना है, रिएक्शन 6.33 न्यूटन, आर बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 11.33 न्यूटन, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, फाइंड द रिएक्शन आर ए एंड आर बी, क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया है, तो पहला क्वेश्चन जो हम दिए थे और इस क्वेश्चन में जो है क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है यू डी एल लोड है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लोड जो है तीन टाइप का होता है, आपके सिलेबस में जो है लोड जो है तीन टाइप दिया है, पहला क्या है पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड का जो है दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है, पॉइंट लोड, नंबर टू क्या है यू डी एल, ठीक है, यू डी एल लोड, यू डी एल का फुल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, एंड नंबर थ्री है यू वी एल, यू वी एल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, ठीक है। अब जो है इसका सिंबल को समझते हैं, पॉइंट लोड जब रहेगा तो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ये पॉइंट लोड है, यू डी एल जब रहेगा तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, या दूसरा एग्जांपल जो है कभी कभी बुक में इस तरह से भी देता है यू डी एल, ठीक है, यू वी एल रहेगा तो उसका सिंबल जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये हो गया यू वी एल, यू डी एल दो है सिंबल और इसका जो है पॉइंट लोड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर यू डी एल या यू वी एल रहे तो उसे हमें पॉइंट लोड में चेंज करना है, क्या करना है पॉइंट लोड में चेंज करना है, तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम आपको एक फार्मूला को बता देते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फार्मूला बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला को समझिए। मान लीजिए आपके पास जो है, अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक है, अभी पहले समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो है यू डी एल लोड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इस यू डी एल का वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर और यह है 2 मीटर, यह है 4 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट लोड को जो है, सॉरी, इस यू डी एल को जो है हमें पॉइंट लोड में चेंज करना है, यू डी एल को पॉइंट लोड में चेंज करना है, तो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, यू डी एल कितना दूर में एक्ट कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट लीजिए, तो यू डी एल कितना दूर में ऐड कर रहा है, यानी कि सी से बी तक ऐड कर रहा है, सी से बी तक ऐड कर रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है 3
मीटर इंटू यूडीएल का लोड कितना है तो 2 न्यूटन पर मीटर, यही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 = 6 न्यूटन। ये हो गया पॉइंट लोड। कौन सा लोड? पॉइंट लोड, यानी कि यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जितना दूर में ऐड कर रहा है और जितना लोड दिया हुआ है। 2 था और यहाँ 3 था, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया, ख़त्म कहानी। और डिस्टेंस जो होता है वो जो है आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है, यानी कि ये जो है 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा। आप पूछिएगा कि सर कहाँ से 1.5 मीटर होगा, ठीक है, यानी कि सी और बी के बीच में 1.5 मीटर होगा, तो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूडीएल, ये हो जाएगा 6 न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पर नया पॉइंट आ जाएगा डी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? समझ गए ही होंगे। अब इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम में नहीं होगा, ठीक है। पहले मेथड को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूडीएल टू पॉइंट लोड, हम क्या करते हैं यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर देते हैं। तो यूडीएल कितना है, तो आपका दिया हुआ है 4 न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितना है, तो डी से ई का डिस्टेंस लीजिए, डी से ई का डिस्टेंस कितना है तो 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 4 × 3 = 12 न्यूटन। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब जो है यूडीएल पॉइंट लोड में चेंज हो गया 12 न्यूटन। अब डिस्टेंस कितना होगा, तो अभी तो हम बताए थे डिस्टेंस जो है आधा होता है, यानी कि डी से ई का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो 3/2 = 1.5 मीटर। कहाँ से ऐड करेगा, तो डी पॉइंट से, फ्रॉम डी पॉइंट। चलिए तो एक नया डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, ठीक है, और यहाँ पर है सी, उसके बाद जो है यहाँ पर है एफ़, ठीक है, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, एफ़ दे दीजिए, यहाँ तक तो कोई डॉट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए डी पॉइंट है और यहाँ पर जो है ई पॉइंट है, यही है ना। तो हमने जो है चेंज कर दिया, तो नया एक पॉइंट आएगा जिसका पॉइंट का नाम क्या होगा, जी होगा, मान लीजिए इसका नाम जी दे दीजिए, क्योंकि डी और ई के बीच में यूडीएल आएगा, तो कितना है 12 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर, ठीक है, और पहले का डिस्टेंस को भी लिख लीजिए, ए से सी का डिस्टेंस, ए सी से डी का डिस्टेंस, और यहाँ और यहाँ कितना है, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर। कोई डाउट है? नहीं। यहाँ पर है 6 न्यूटन और है 4 न्यूटन। डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने जो है यहाँ पर चेंज क्या किया है, जो डी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी और ई के बीच में जो यूडीएल था उसके बीच में पॉइंट लोड आ गया 12 न्यूटन और डी से जी का डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। अब जो है जो क्वेश्चन जो पहला था वही उसी तरह से हो गया। तो पहला क्वेश्चन जिस तरह से हम बनाए थे क्या था, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स को क्या किया है, तो आर ए है, यहाँ पर रिएक्शन आर ए है और आर बी है, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। जोड़ दीजिए, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12 × 4 = 16, 16 × 6 = 22,
इक्वेशन नंबर वन। मज़ा आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा। आगे का प्रोसेस सेम है, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालते हैं ये पॉइंट पर, मोमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर मोमेंट निकालिए। तो मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यही बताए थे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, जो मोमेंट इस तरह से होगा उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो मोमेंट इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 न्यूटन जो है जब बेंड करेगा इसको, तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। केवल एंटी क्लॉकवाइज जो है केवल एक है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि 6 इंटू, तो 6 इंटू कितना होगा, तो ए से एफ का डिस्टेंस, यहाँ पर क्या पॉइंट है, एफ है, तो ए से एफ का डिस्टेंस प्लस 12 इंटू 12 इंटू, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो जी, ए से जी का डिस्टेंस, ए से जी का डिस्टेंस प्लस 4 इंटू 4 इंटू, ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस। कोई डाउट है, नहीं। 6 इंटू यहाँ एफ पॉइंट है तो ए तक आएंगे, ए से एफ का डिस्टेंस। 12 इंटू यहाँ जी पॉइंट है तो ए से जी का डिस्टेंस। यहाँ 4 है तो 4 इंटू ए से सी का डिस्टेंस इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में केवल एक है, आर बी इंटू बी से ए का डिस्टेंस यानी कि ए बी। चलिए लिख लीजिए, 6 इंटू ए से एफ का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर एफ पॉइंट है, यहाँ पर आ जाइए, एफ 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 प्लस 12 इंटू ए से जी का डिस्टेंस। तो चलिए जी कहाँ है, यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए जी कहाँ है, यहाँ है, तो जी से यहाँ ये हो गया, यहाँ से आइए तो 1.5 प्लस 1 यानी कि 1.5 प्लस 1 अढ़ाई, अढ़ाई प्लस 2 यानी कि 4.5 हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं। यहाँ 2 1 3 3 और 1.5 4.5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 4 इंटू ए से सी का डिस्टेंस, तो 2 मीटर है, 2 मीटर लिख लीजिए, इक्वल टू आर बी इंटू, टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी का, 2 प्लस 1 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट 12 इंटू 4.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू 2, आगे आपका 104 इक्वल टू 9 आर बी। सो आर बी इक्वल टू, आर बी इक्वल टू 11.55 न्यूटन। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं, ठीक है। इसको जो है आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ठीक है, आप जो है इसको कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। आर बी इक्वल टू जब 11.55 आ गया, तो इक्वेशन वन में जो है आर बी का वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, आर ए प्लस 11.55 इक्वल टू 22, सो आर ए इक्वल टू 22 माइनस 11.55 इक्वल टू 10.45 न्यूटन। ये हो गया आर ए का वैल्यू, और आर बी इक्वल टू 11.55 न्यूटन। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में कुछ बच्चे जो है कमेंट किए थे, उस कमेंट का जो है हमने जो है बीम के ऊपर प्रॉब्लम किया। अगर आपको भी कमेंट, आपको भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे जो है इसको हम UDL तो अभी हम बता दिए, UVL के लोड के ऊपर भी प्रॉब्लम को कराएंगे, ठीक है। ऐसे तो हम प्रॉब्लम कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।